गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप लोग को पता है, मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम था और मैं तबीयत भी बहुत ख़राब हो गया था, इसलिए आज है ट्वेल्थ अक्टूबर। तो आज है महासप्तमी और हम लोग जा रहे हैं गांव, ससुराल जा रहे हैं अपने। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी अपना ससुराल फर्स्ट टाइम, और अपने ससुराल मतलब पूरी फैमिली से आप लोगों को मिलाऊंगी, क्योंकि दुर्गा हम लोग कहीं भी रहते हैं ना, तो दुर्गा पूजा में जो है घर ही जाते हैं, तो थोड़ा लेट हो गया, पहले ही जाते हैं, थोड़ा लेट हो गया, तो अभी हम लोग निकल जाएंगे। तो बस मैं वही पैकिंग कर रही हूँ घर की, क्योंकि कुछ भी हो, कहीं भी रहे, हम लोगों का ये चीज़ है कि दुर्गा पूजा जो है, कोई भी पूजा वगैरह फंक्शन, ज़्यादातर कोशिश होती है, खासकर दुर्गा पूजा जो होता है हम लोगों में बहुत मान्यता है। कि तो देखो बिरनी आ गया एक, तो हम लोग घर ही जाते हैं। तो आप लोगों को मैं मिलवाऊंगी मेरे पूरे फैमिली मेम्बर से, मेरी सासू माँ और घर में कौन कौन है, तो बहुत एक्साइटेड होने वाला है। मेरे मायके वालों से तो आप लोग बहुत मिले हैं होंगे, मेरे ससुराल वालों से नहीं मिले, तो मैं सबसे मिलवाऊंगी। मेरा ससुराल कैसा है वो भी मैं दिखाऊंगी। तो अभी मैं फटाफट से पैकिंग कर लेती हूँ, बस 10 मिनट में मैं रेडी हो जाऊँगी। तो ये मेरा पैकिंग दिखा रही हूँ यहाँ पे मैं, ये मेरे सारे बिखरा के रखे हुए हैं दुर्गा पूजा के भी कपड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने इस तरीके से बिखरा के रखे हुए हैं। यहाँ पे मेरा बैग है, बहुत ज़्यादा सामान लेके नहीं जाना है, 2 से 3 4 दिन के लिए है, तो थोड़ा बहुत सामान लेना है, तो मैं सारी पैकिंग कर लेती हूँ। और इस बार दुर्गा पूजा में मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं किया, ना साड़ी ना कपड़े, कुछ भी नहीं मुझे मिले हैं, कोई नहीं, अब दिवाली में लेना है तो इस बार तो कुछ वैसा हुआ नहीं, कोई नहीं, जो भी है मेरे पास मैं वही पहनूंगी। बस मैंने किट्टू के 1-2 कपड़े लिए हुए थे कुछ, मैं शॉपिंग अभी दिखा नहीं पा रही हूँ, थोड़ा बिजी हो गई, तो और थोड़ा सा मूड भी अपसेट था, बट वीडियो बनाने की इच्छा नहीं कर रहा था। तो चलिए मैं पैकिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आगे मैं सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाती रहूंगी। और ये यहाँ पे हम लोग बस में थे, जा रहे थे, ये रास्ते का है इस तरीके से, यहाँ पे ना, यहाँ बहुत फेमस है यहाँ का, ये हम लोग इसको झालमुड़ी बोलते हैं, तो यहाँ पे जब भी रुकते हैं तो खाते ज़रूर, बट मेरा फास्टिंग था और किट्टू को भी खाने का मन नहीं था, इसलिए नहीं खाया। ये वाला जो मंदिर है ना, ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये बजरंगबली का मंदिर है, मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम मेरे ससुर जी जब मुझे देखने के लिए आए थे तो ये इसी मंदिर में मुझे देखा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट किया था यहाँ का। उसके बाद मैं काफ़ी थक गई थी, काफ़ी टाइम लग जाता है हम लोगों को यहाँ से जाने में, 2-3 घंटे। और ये मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ रास्ते का कुछ व्यू है, कुछ क्लिप्स है, जो लोग बिहार झारखंड के हैं उन्हें तो पता है, एक्चुअली मेरा झारखंड से बिहार में मेरा ससुराल पड़ता है, तो मैं ये वीडियो रास्ते का मैं इसलिए दिखा रही थी कि मैं बिहार जा रही हूँ। इधर का भी थोड़ा सा लुक देखिए कैसा होता है, किस टाइप का, यही बीच में छोटा सा नदी आता है। आज के डेट में ना नदियों का तो हालत ख़राब हो गया है, बालू उठने के कारण सारे के सारे नदी का पूरा ये हो गया है, बर्बादी हो गया। यहाँ पे फिर हम लोग का जो नियर मार्केट है ना, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे, काफ़ी भीड़ थी, ये माँ सप्तमी का ब्लॉक है तो इसलिए सप्तमी अष्टमी नौमी दसवीं तक तो काफ़ी भीड़ होती है सारे जगहों में। बहुत छोटा सा मार्केट है बट भीड़ बहुत कंजेस्टेड टाइप का है ना, तो भीड़ बहुत ज़्यादा होता है। फिर हम लोग यहाँ पे रुके थे कुछ दवाई वगैरह लेने के लिए, उसके बाद जा रहे थे हम लोग बस से उतर के कुछ टोटो या रिक्शा। यहाँ से जो है ना, हम लोगों का घर लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है, ये हमारा गांव का रोड है, ये हम लोग जब गाँव जा रहे थे, गांव का तो एक अलग ही मज़ा आता है, गांव का रहन सहन आज भी हम लोगों को बहुत पसंद आता है, बट ऐसा सिचुएशन हो गया कि
अब गांव में रह ही नहीं सकते हैं बच्चों को पढ़ाई लिखाई को लेकर के, बट आज भी अब जब आते हैं इस तरीके से नदी तालाब देखते तो बहुत मज़ा आता है। पहले यहाँ पे रोड अच्छे से नहीं बना हुआ था और ना ही एक नदी था, नदी पे पुल बना हुआ था, तो काफ़ी परेशानी होती थी, बट अब सारी चीज़ें हो गई है। ये देखिए यहाँ का जो गांव है कैसा है। बिहार की एक चीज़ बहुत खासियत होती है कि इधर बहुत हरियाली होती, खेतों में धान गन्ने सारी चीज़ें लगी होती है। ये वाला जो था ना पहले पुल नहीं बना हुआ था, ये हमारे गांव में बिल्कुल सटा हुआ है। जब बाढ़ का पानी, बिहार तो बाढ़ के लिए फेमस है, बाढ़ का पानी आता था तो हमारे गांव में भी पूरी तरह से घुस जाता था। ये सारे जो धान के खेत हस्बैंड दिखा रहे कि यहाँ से हम लोगों का है सारा धान वगैरह, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है बहुत ज़्यादा। ये हम लोग बिल्कुल अपने गांव घुस चुके हैं। और ये है हमारा घर, ये सामने वाला, ये जहाँ पे हम अभी रुक गए, ये यहाँ पे कोई रहता नहीं है गांव में। ये एक सामने गेट है, उधर से नहीं जाते हैं, जनरली हम लोग इधर से ही जाते हैं, अच्छा लगता है छोटा रास्ता से जाने में। ये देखिए मेरी सासू माँ है जो बैठी हुई है, और वो मेरी बड़ी जेठानी है, और बड़े भैया का तबीयत ख़राब था तो वो सोए हुए थे। और यहाँ का खाना ना बहुत पसंद है सबको, खास करके किट्टू को, हस्बैंड को तो बहुत ही मन लगता है, मतलब वो घर आते हैं तो उनको कहीं जाने का मन ही नहीं होता। ये है पूजा मंदिर, यहाँ पे ही पूजा होता है, तो सिंपल सा पूजा होता है बट आना पड़ता है घर में ही। और फिर सप्तमी के दिन से ही हम लोगों का फास्टिंग स्टार्ट हो जाता है, उस दिन हम लोग नमक नहीं खाते, इस तरीके से दही चूड़ा चीनी वगैरह पूजा करके खाते हैं हम और मेरी बड़ी जेठानी जो है दीदी, इस तरीके से लगभग। तो फिर यहाँ दीदी पूजा स्टार्ट करके, क्योंकि पहले माँ भी करती थी तो माँ अब छोड़ दी हैं, तो इस बार हम और दीदी करते, मैं भी करती थी पहले से ही। यहाँ पे देखिए किट्टू को दादी माँ उसकी प्यार कर रही है, क्योंकि किट्टू बहुत कम आता है ना, इसलिए। मेरे वीडियो में और भी बहुत कुछ है आगे देखने के लिए, मैं ससुराल की बहुत सारी क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आगे और मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये शाम की आरती के साथ हमारा वीडियो एंड होता है, अपने नेक्स्ट वीडियो को लेके मैं जल्द से जल्द आ जाऊंगी, और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।